सीधे कदम रखोगे तो राजस्थान में। बहुत ज़्यादा मशहूर है ये घर, अब भाई दो राज्यों में एक ही घर, चूल्हा राजस्थान में, खाने वाला हरियाणा में रह रहे हैं, पानी राजस्थान में और पीने वाला हरियाणा में। ये जो ठीक मेरे पीछे वाला जो गेट है ये हरियाणा में खुलता है, और मेरे साइड में गेट है ये राजस्थान में खुलता है। सबसे छोटा जो बच्चा है हमारे घर में वो एक साल का है, और जो सबसे उम्र में बड़ी है वो हमारी माता जी है, उनकी करीब 85-86 साल के करीब उनकी उम्र है। मुझे तो ऐसा लगता कि पूरा देश में एक यही घर होगा। ये जो पुणे है ना बिल्कुल, वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, ऐसे ही है। और वो गेट का कोना, हमारे दादाजी ने करीब 1960 के आसपास यहाँ पे मकान बनाया था। उस समय यहाँ पे जंगल होता था, कोई जैसे कोई आदमी बहुत दूर से यहाँ आया 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से, उसको जैसे ही यहाँ वो घुसता है और उसको पता लगता है कि भाई ये आधा घर हरियाणा में आता है आधा राजस्थान में आता है, ये बॉर्डर पे रह रहे हैं, तो वो बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, पैर कभी हरियाणा में जाते हैं कभी राजस्थान में जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा अच्छा तो लगता है उससे कि हाँ भाई हम किसी खास जगह पर रह रहे हैं। देखो जी, हम हरियाणा का जो हमारा एड्रेस है सोना रोड वार्ड नंबर 3 धारवेड़ा, और राजस्थान का जो बनाते हैं सोना रोड सैदपुर, बस नाम ही चेंज होता है धारवेड़ा सैदपुर, बाकी एड्रेस सब कुछ वही है जी। इससे इधर राजस्थान है, जो शीशा लग रहा है उसके बैक में वो हरियाणा है। आप पीछे दीवार पर नज़र मारोगे, जो दीवार दिख रही है बिल्कुल बॉर्डर पर है। एक भाई के बच्चों का सारा डॉक्यूमेंट राजस्थान का रहेगा और एक भाई का सारा डॉक्यूमेंट हरियाणा का। मेरे परिवार में करीब 13 सदस्य हैं जो वोटर हैं हरियाणा राजस्थान के मिला के, तो इसमें हरियाणा के 6 वोटर हैं, राजस्थान के 7 वोटर हैं। हमारी दादी हैं वोटर सबसे बड़ी। 2008 से पहले हमने वोटें हरियाणा में डाली है MLA पंचायत चुनाव में, और राजस्थान में डाली हमने। लोकसभा का करीब करीब चुनाव तो एक साथ होता है, उसमें तो पहले संभव नहीं होती थी। पशु हैं हमारे, जो भी मतलब पशुओं का चारा जो भी काम है, बाकी बाहर का काम है सारा राजस्थान में। पानी की मोटर है वो भी राजस्थान में, और मीटर है वो भी राजस्थान में, रहे हरियाणा में रहे। फ़ोन है ये, कभी तो रोमिंग पकड़ जाए राजस्थान पकड़ जाते, कभी हरियाणा पकड़ जाए, ये दिक्कत है थोड़ी, और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगता है यार। पहले भी मतलब अखबार में भी आती है, टीवी में भी आती है, वीडियो वाले पहले भी कई बार बना के ले गए, अब भाई दो राज्यों में एक ही घर, चूल्हा राजस्थान में, खाने वाला हरियाणा में रह रहे हैं, पानी राजस्थान में और पीने वाला हरियाणा में। मैंने 2008 में धारवाड़ा नगर पालिका बनी थी तब वहाँ से चुनाव लड़ा था, फिर लड़के का इधर 2008 में भिवाड़ी नगर पालिका बन गई थी, इनको इधर से चुनाव लड़ा। एक फ़ायदा मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें दो प्रदेशों से लाइट मिल जाती है, भाई आप हरियाणा की लाइट नहीं आ रही, राजस्थान की लाइट आपको मिल जाएगी। पेट्रोल डीजल में आप ये समझो कि राजस्थान में करीब 30-40 किलोमीटर तक आप अंदर तक चले जाओगे
तो वो हरियाणा में ही आते हैं तेल डलवाने के लिए। सबसे बड़ा नुकसान तो हमें ये हो रहा है कि दोनों सरकारों की लड़ाई हो रही है। उन्होंने एक रैंप बना दिया, नाले रोक दिए कि भाई हम राजस्थान का पानी हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। करीब 3 महीने से हर आदमी, आप समझो स्कूल के बच्चे जो हैं उनकी बस फंस गई इसके अंदर, ट्रैक्टर से निकालते हुए एम्बुलेंस तक फंस गई, लोग बाग इतने मतलब 90-90 साल के बुजुर्ग लोग पानी के अंदर से पैदल जा रहे हैं आ रहे हैं। किसी दिन एक आदमी गिर गया था, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके पैर तो चले गए हरियाणा की तरफ और उसका सर हो गया राजस्थान की तरफ। तो उसको हमें बताने में ही बड़ी तकलीफ़ हुई कि भाई ये हरियाणा